Assalamu alaikum students, we are going to discuss today continent South America and we have already discussed North America. It is the world's fourth largest continent and it consists on 12 countries. देखिए इसके दुनिया का ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है कौन सा साउथ अमेरिका. थोड़ा सा आप ये लोकेशन को देख लें, ये वर्ल्ड मैप है. वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका हम कर चुके हैं, नीचे इसके साउथ अमेरिका, ठीक है. और अगर इसके हम ईस्ट में देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है. और इसके वेस्ट में क्या है, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है. और नीचे वही है साउदर्न ओशन और अंटार्कटिका, ठीक है. ये हमने कर लिए हैं, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है. एशिया हमारा हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया. अब इसके बाद जो लास्ट लेक्चर है वो ऑस्ट्रेलिया पे है, उसके बाद टेस्ट होगा आपका, ठीक है. ये अब हम देखते हैं इसको डिटेल में. साउथ अमेरिका के टोटल 12 कंट्रीज हैं. पहले हम इनके कंट्रीज को देख लेते हैं. यहाँ पे है फ्रंट गुइनिया, सरी नेम इनके आगे ऊपर मैंने कैपिटल लिखे हैं. आपके पास मैप होगा, आप मैप को ओपन रखें और साथ के साथ इनको पढ़ें. सरी नेम पैरामरिबो गुइनिया, ये कैपिटल्स आप कर लेंगे इस तरह से. वेनेजुएला है, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलेविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना और ये चिली है, ठीक है. और यहाँ पे ये ब्राज़ील. अब हम ब्राज़ील से शुरू करते हैं. जो ब्राज़ील है ये लार्जेस्ट स्टेट ऑफ साउथ अमेरिका है, ठीक है. ये किस नंबर पे है, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. और ये क्या है, पॉपुलेशन और साइज में, यानी कि दोनों एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज ये एक बिगेस्ट स्टेट है साउथ अमेरिका की, ठीक है. और इसका ब्रासिलिया इसका कैपिटल है. अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, ये मैंने रिवर बनाया है, अमेजोन रिवर. आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, अमेजोन रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. किधर से हो रहा है, वे ईस्ट से, साउथ अमेरिका के ईस्ट से स्टार्ट होता है और ये पूरा ब्राज़ील को क्रॉस करके और कोलंबिया से फिर ये एंटर होता है पेरू में, ठीक है. इस तरह से हमें पता चलता है कि जो अमेज़न रिवर है, जो कि लार्जेस्ट बाय वाटर वॉल्यूम, कि इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट नहीं है ये है बिगेस्ट में आएगा. इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है. वैसे अगर लॉन्गेस्ट में हम देखें तो ये नाइल के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट है. पहले नंबर पे तो लॉन्गेस्ट रिवर नील है और सेकेंड पे लॉन्गेस्ट अमेज़न है. अब हमें ये भी पता चल गया कि ये तीन कंट्रीज से गुजर के जा रहा है, ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू, ठीक है. थ्री कंट्रीज में ये गुजर रहा है. उसके अलावा ये मैंने एक लाइन बनाई हुई है, आपको पता है कि ये लाइन ऑफ इक्वेटर है, ठीक है. अब ये इक्वेटर को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है. उसके अलावा इसका जो सोर्स है वो सोर्स यहाँ पे है, मंसारो रिवर है, यहाँ से इसका ओरिजिन है, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील में मैंने आप लोगों को पहले करवाया था जब मैंने डैम्स करवाए हैं, कि यहाँ पे ब्राज़ील में पराना रिवर है, उसके ऊपर इतापू डैम है, ठीक है. और 196 मीटर हाई है ये, ठीक है. कंस्ट्रक्शन इसकी 1975 से 1982 तक हुई. और ब्राज़ील का यहाँ पे साओ पोलो लार्जेस्ट जो इसका सिटी है और बहुत फेमस है, मोस्ट पॉपुलस सिटी है, आबादी के लिहाज से भी ये बड़ा है, वैसे भी इसका फेमस है. और दुनिया में ये साओ पोलो जो है 12th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज ये वाला सिटी है साओ पोलो. फिर यहाँ पे देखें साउथ अटलांटिक ओशन, जो कि मैंने उधर भी आपको दिखाया है, सेंट हेलेना, ये यहाँ पे एक जजीरा है, ठीक है. कहाँ पे है सेंट हेलेना, साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर. और ये बहुत फेमस है, आपने पहले भी सुना होगा कि यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू जब हुई थी
उसके बाद नेपोलियन जब हार गया था 1815 में, इसको एग्जाइल करके सेंट हेलेना जजीरे में रखा गया था, ठीक है। और इसकी जो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई, हम ये लिख लेते हैं, ये जो थी बैटल, ये किसके दरमियान हुई थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और उसके ये नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इन दोनों के दरमियान हुई थी, ये हार गए थे और इन्होंने ये यहाँ पे एग्जाइल कर दिया गया था। लेकिन ये जो है ये किसके अंडर है, सेंट हेलेना यूके के अंडर, ब्रिटिश किंगडम के अंडर है, लेकिन वैसे इसकी लोकेशन बतानी थी। अब ये देखें, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन नजर आएगी, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि साउथ अमेरिका से एक तो इक्वेटर गुजर रही है लाइन, ठीक है, और अगर नीचे हम देखें इक्वेटर के नीचे यानी कि साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। सबसे पहले ब्राजील से, देन अर्जेंटीना, पैराग्वे, फिर उसके बाद चिली से, यानी कि 1 2 3 4 चार कंट्री से यहाँ से ये गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी तरह से अगर इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, एक तो ये आ गया ब्राजील, ब्राजील से, देन कोलंबिया, देन इक्वाडोर, यानी कि ये तीन कंट्री से गुजर रहा है इधर। अब जी हम देखते हैं कि इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ ये ब्राउन कलर की जो मैंने शेड दी है, मैंने चार्ट बना लिया था कि ताकि आप इजीली चीजों को समझ जाएं और क्लियर भी रहें। ये जो ब्राउन कलर का ये कलर नजर आ रहा है आपको यहां तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है, कि एंडीज माउंटेन रेंज है। एंडीज माउंटेन रेंज ये नॉर्थ से शुरू हो रही है और साउथ तक जा रही है और ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि वेनेजुएला से शुरू होती है, कोलंबिया से होती हुई, इक्वाडोर से होती हुई, पेरू से, बोलिविया से, और फिर यहाँ पे चिली से, अर्जेंटीना से ये गुजरती हुई एंड तक आ रही, ठीक है। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका की भी लॉन्गेस्ट है। इसकी हाईएस्ट पीक आकनकागुआ है, ठीक है, जो यहाँ, अब इसकी लोकेशन हमने देखनी है। आकनकागुआ कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना में, ठीक है, दोनों कंट्रीज में है। सम टाइम देखा मैंने क्वेश्चंस में उन्होंने बस अर्जेंटीना ही लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन दोनों से ही ये माउंटेन गुजर रही है और ये यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो है, इसकी जो हाइट है आकनकागुआ की 6,960 मीटर्स है, ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड पे है ये, ऑन द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली, ठीक है। उसके अलावा क्या है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन 7 कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका। ये 7 कंट्रीज हैं जहां से ये एंडीज माउंटेन रेंज पास हो रही है, ठीक है, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब हमने देखना है कि इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। लोएस्ट पॉइंट इसका यहां पे है, वो बाद में करेंगे हम, आप देखें। फिर उसके बाद अर्जेंटीना को देख लेते हैं। अर्जेंटीना जो है यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी अर्जेंटीना की, आइजेबल मार्टिन, ये जो थी ये पहली प्रेसिडेंट फीमेल अर्जेंटीना से थी। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पे ग्रास लैंड है यूरुग्वे और अर्जेंटीना में, ये मैंने ग्रीन ग्रीन ग्रास लैंड बनाए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये पंपस ग्रास लैंड है, और ये जो अर्जेंटीना है, ये ब्यूनस जो आयर्स है, ये लार्जेस्ट सिटी इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेग टिटिकाका आपको नजर आ रही है बोलिविया की, ठीक है। और ये लेग टिटिकाका बहुत फेमस है, इनका सिविलाइजेशन अगर आपको पता हो, साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो इनकन सिविलाइजेशन ही थी। और स्टार्ट कहाँ से होती है, लेग टिटिकाका से शुरू होती है, बोलिविया से। बोलिविया इसका कंट्री है और इसका कैपिटल लापाज है, जो कि दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल, वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल लापाज है, ठीक है, बोलिविया का। और यहाँ पे लेक टिटिकाका है, ये मैंने लेक बनाई हुई है, लेक पीरू और बोलिविया दोनों के अंदर है ये लेक है, ठीक है। और इंकन सिविलाइजेशन का ओरिजिन यहाँ से हुआ था, फिर उसके बाद स्पेनिश आए, पुर्तगीज आए और फिर इन्होंने ब्रिटिश किंगडम से 1800 में आजादी हासिल की थी, ठीक है। और पीरू के अंदर, पीरू इज फेमस फॉर सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर ज्यादा है, लाइमा इसका कैपिटल है। और यहाँ पे जो आपके सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से माशू पिचू जो है एक वंडर जो के पीरू में है माशू पिचू, और ये इनका सिविलाइजेशन की वजह से फेमस था। उन्होंने इधर आगे यहाँ पे ये जो सारी अपनी ये यानी कि उनकी एक माउंटेन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है जो कि इनकन सिविलाइजेशन को शो करती है। चिल्ली जो है, अब ये किधर है, चिल्ली की लोकेशन देख लेते हैं, साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पे, वेस्टर्न साइड पे चिल्ली है और उसकी वेस्टर्न कोस्ट किसके साथ टच कर रही है, ये सारा पैसिफिक ओशन का यहाँ पे वाटर मौजूद है, ठीक है। और चिल्ली इज फेमस फॉर कॉपर, ठीक है, यहाँ पे कॉपर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, सेंटियागो इसका कैपिटल है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम पूछा था मेरे से कि सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज कौन कौन सी हैं या सेंट्रल अमेरिका में कौन से आते हैं, तो ये वाले जो कंट्रीज है मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल अमेरिका में आते हैं, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, हंडुरस और एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला एंड बिलाइज, ये सारे के सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। उसके बाद जी वेनेजुएला में, वेनेजुएला की खास बात ये है कि वेनेजुएला एक वाहिद कंट्री है जो कि नॉन मुस्लिम है और ये मेंबर है ओपेक का, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ओपेक के अंदर बाकी सारे मेंबर्स मुस्लिम हैं, ठीक है, लेकिन वेनेजुएला एक कंट्री है जो कि नॉन मुस्लिम है, साउथ अमेरिका का कंट्री है जो कि पार्ट है, बल्कि फाउंडिंग मेंबर है ओपेक का, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक वेनेजुएला था। और पीछे काफी इनके फेमस प्रेसिडेंट और लीडर थे होगो शावेस, और 5 मार्च 2013 में इनकी डेथ हुई। और करंट जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के वो निकोलस मडुरो हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेनेजुएला की, यहाँ पे एंजल फॉल है, साल्टो एंजल फॉल भी कहते हैं इसे, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, ये पानी मैंने ये बनाया है, ठीक है। और ये कहाँ है, वेनेजुएला में। फिर इसके ऊपर अगर हम देखें नॉर्थ में, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, कैरिबियन सी है, और यहाँ पे पनामा केनाल मैंने पहले बताया था, पनामा इस्थमस जो कि सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और ये ओपन हुई थी 1980 में और 58 किलोमीटर है, 1880 से ये यानी कि स्टार्ट होती है और 1914 में यानी कि थ्रू रॉबर्ट चैनल इसकी ओपनिंग हुई थी। और नीचे अगर हम देखें साउदर्न ओशन है, यहाँ पे मैजेलन स्ट्रेट है, ये वैल्डीज पेनिनसुला है, तब ये मुझे नजर नहीं आया, ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका, ठीक है, ये यहाँ पे है अर्जेंटीना में। और यहाँ पे है मैजेलन स्ट्रेट है जो कि क्या करती है, कनेक्ट कर रही है इस आइलैंड को, डिसकनेक्ट कर रही है किससे, साउथ अमेरिका से या चिली से आप कह सकते हैं, और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है और इधर आपका पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे ये फॉकलैंड आइलैंड है, यूके के अंडर है, स्टेनले इसका
हेडक्वार्टर है, कैपिटल सिटी है। बस यही है सारा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका से रिलेटेड। और एक चीज़ रह गई है, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है, कहाँ पे है, चिली में। ये येलो कलर में आपको ये नज़र आएगी इसकी लोकेशन। ये जो है ये डेजर्ट है चिली के अंदर, अटाकामा डेजर्ट। बस ये इतना ही है इसका। नेक्स्ट हम साउथ अमेरिका, वो ऑस्ट्रेलिया करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।